जिला प्रशासन सहायतार मध्यप्रदेश को गले 8 जन प्रवासी। कोरोना महामारी लॉकडाउन समय रे पुरी रे अटकी रही मध्यप्रदेश 8 जन को जिला प्रशासन पक्षर समस्त व्यवस्था करा राज्य को पठा जाए। सेमाने समस्ते लोकनाथ रोड स्थित एक वेद विद्यालय अध्यापक और छात्र। लॉकडाउन जोगु पाठ पढ़ा बंद थिबारु निज राज्य को जिबाकु सेमाननको पाखरे आर्थिक संबल नथिबारु सेमाने जिलापाल श्री बलवंत सिंह को सह जोगाजोग करिबा परे जिला प्रशासन पक्षरु समस्त व्यवस्था करा जायथिला। मध्यप्रदेश शाडोल जिला को जीवा निमंते गाड़ी व्यवस्था करा जायथिला। अतिरिक्त जिलापाल श्री प्रदीप कुमार साहू सेमाननको अनुमति पत्र और सुखिला खाद्य फलमूल प्रदान करने सह विदाई शुभेच्छा जणाइथिले। एहि अवसर रे जिला श्रम अधिकारी श्री दिलीप कुमार पाणी सेठारे उपस्थित थिले। तो सब बच्चे छुट्टी में जाना चाहते थे और अब यहाँ थोड़ा अभी कुछ माने प्रॉब्लम है, इसलिए बच्चे भी छोटे छोटे हैं तो लेके जाना ही था। कोई ट्रेन वैसे कहाँ के रहने वाले? मध्य प्रदेश सतना जिला। सतना में जी, और बच्चे हैं सिंगरौली जिला के हैं। अब के कारण आप लोग जा नहीं पाए? अभी जा नहीं पाए, हम सोचे कि ट्रेन चलेगी लेकिन यहाँ से तो कोई ट्रेन नहीं है वहाँ। आप वहाँ हम लोग फिर भी जब तक कोई ट्रेन उनकी व्यवस्था नहीं होगी तो नहीं आएंगे। अभी तो 2-3 महीना आप रहेंगे जी, तब तक बच्चे वहीं जी, तो उनका उस दौरान पढ़ाई लिखाई जो पढ़ाई लिखाई है तभी तो हर एक जगह माने हमारा संस्थान भी कहता है कि आप लोग ऑनलाइन में पढ़ाइए, तो ये भी वहाँ ऑनलाइन से। जी जी, कितने साल का कोर्स है इनका? 7 वर्ष का कोर्स है। कितना चल रहा है अभी ये? अभी इनका तो द्वितीय का है, कोई तृतीय का है, अलग अलग। जी जी जी, वैसे आपका ये वेद कर्मकांड आपका जो विद्यालय है कहाँ है, किस स्थान पर है? ये है हमारा लोकनाथ मंदिर के पास, बालाजी मंदिर, श्री रामचंद्र स्वामी वेद विद्यालय। जी सर, गवर्नमेंट प्राइवेट? हाँ, ये चलती है अपना महर्षि शांतिपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार। आप लोग शिक्षक हैं? जी सर। कितने जने आप लोग? हम लोग 2 लोग 3 लोग हैं। ये संस्कृत अध्यापक हैं, वहाँ व्याकरण पढ़ाते हैं और मैं शुक्ल यजुर्वेद माध्यमिक शाखा, और यहीं के हैं एक धर्मेंद्र षडंगी जी, पुरी के ही हैं, वो पढ़ाते हैं शुक्ल यजुर्वेद कानून शाखा। कितने आपके शिक्षार्थी, कितने हैं विद्यार्थी? 20 विद्यार्थी हैं, एक अध्यापक पे 20 विद्यार्थी। वहाँ से है कि एक अध्यापक 10 विद्यार्थी रख सकते। तो अभी वगैरह ये जो कोरोना का जो 3 महीना चला, 3 महीना आप लोग उसी विद्यालय के प्रांगण में ही रह रहे थे? जी, सबको मैंने अलग अलग रूम में, मैंने ज़्यादा बच्चों को एक रूम में नहीं रखे, अलग अलग रूम में सबको करके रखे थे। जी, पालन को सहाय रे हमें निज घर को जाई पारुछु और बहुत बहुत धन्यवाद ओडिशा सरकार को, ओडिशा गवर्नमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी यात्रा सफल हो। जी सर, धन्यवाद। सही सलामत आप लोग अपने घर पहुँचे, हम हरदम आभारी हैं आप लोगों के, जो भी हमारे आपके पास है। जी सर, लीजिए हमारे से। जी सर, डिस्टेंस लोक गले पुरी। राकेश कुमार नंदंग रिपोर्ट, ओएनए खबर।